Good afternoon, students. Today we are going to discuss gastrointestinal agents, which include antacids, their ideal properties of antacids, combination of antacids used, sodium carbonate, aluminium hydroxide gel, and magnesium hydroxide mixture. Antacids kya hain? These are the drugs that are usually alkaline substances and are used to neutralize the excess acid in the stomach of a patient suffering from hyperacidity. मतलब अभी हमने पहले किए acidifiers. तो acidifiers क्या कर रहे थे? Acidity बढ़ा रहे थे. मतलब हमारे पास acid concentration कम हो गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए acidifier use कर रहे थे. Antacid क्या है? उल्टा है, anti है, कि acidic content already बहुत ज्यादा है, तो ये alkaline कुछ देंगे तभी वो acid को neutralize कर पाएगा. तो वहां पे हम यूज करते हैं एंटासिड्स. कहां यूज करते हैं? इन द स्टमक ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी. हाइपर एसिडिटी क्या होती है? अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ एसिडिटी इन गैस्ट्रिक जूसेस इज एक्सेसिव एंड कॉजेस डिस्कम्फर्ट. गैस्ट्रिक जूस में आपका एसिड कंटेंट है जो बहुत बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर एसिडिटी. अब क्या होता है एंटासिड्स एसिडिटी के केस में? जो HCl है, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हमेशा कंटिन्यूअसली बनता रहता है, तो एंटासिड को हमें देना ही पड़ता है. कभी कभी क्या होता है, हमारे किसी किसी के केस में एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाती है, तो वो लगातार हमें कुछ दिन के लिए एंटासिड्स एडमिनिस्टर कराने पड़ते हैं ताकि आपकी एसिडिटी जो है वो कम हो जाए, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए. यूजली इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बेसिस यूज करते नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, म्यूकोजल लेयर जो है आपके स्टमक की उसको डैमेज कर देंगे, तो फिक्स्ड एक डाइल्यूट कंसंट्रेशन में ही उसको यूज करते हैं और ग्रेजुअली यूज करते हैं ताकि धीरे धीरे करके आपकी एसिडिटी जो है वो कम होती जाए और एंटासिड के साइड इफेक्ट भी ना आए. कई बार एसिडिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेन होने लग जाता है, तो एंटासिड्स क्या करते हैं, गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सिम्टोमेटिक रिलीफ का क्या मतलब है? जब आपको पेन हो रही है तो उस सिम्टम, उसको बोलते हैं पेन होना, वो आपका एक सिम्टम है, उस सिम्टम को खत्म करते हैं. मतलब पेन से आपको निजात मिल जाती है, दर्द जो है वो खत्म हो जाता है, वो काम करते हैं एंटासिड्स. कैसे? बाय न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसकी एसिडिक पावर जो है वो खत्म कर देते हैं. इसीलिए इनको यूज करते हैं कई बार अल्सर्स के केस में. नेक्स्ट आती है एसिडिक एंटासिड्स की क्लासिफिकेशन. एंटासिड्स में सबसे पहले क्लास आएगी सिस्टेमिक या एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स. ये क्या है? दीज आर सॉल्युबल, readily absorbable and capable of producing systemic electrolytic alteration and alkalosis. For example, sodium bicarbonate. Systemic क्या है? वो easily soluble होते हैं, absorb हो जाते हैं, और जब systemic, जब word आ जाए ना, systemic का मतलब है कि आपके blood में ये circulate होंगे और जहां जहां पे आपके जरूरत है वहां वहां पे वो alkalosis कराएंगे, मतलब acidity content को कम कराएंगे. उसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का. नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकेंड क्लास नॉन सिस्टेमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स. नॉन एब्जॉर्बेबल है, दीज आर नॉट एब्जॉर्ब टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट. कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, एंड दस डू नॉट ऑल्टर द एप्रिशिएबल सिस्टेमिक इफेक्ट. सिस्टेमिक इफेक्ट को नहीं बदलते हैं. इनको आगे किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? एज एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, जिनमें एल्यूमिनियम होगा, उसकी एग्जाम्पल आती है हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, डाइहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम अमाइनो एसिटेट. सेकेंड आते हैं कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट. मैग्नीशियम कंटेनिंग में आते हैं आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट. फिर लास्ट हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेशन एंटासिड्स. मतलब जब हम दो एंटासिड्स को मिला के देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, स्मिथिकॉन कंटेनिंग एंटासिड्स आ जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड्स आ जाते हैं, ये है हमारे पास कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मतलब आइडियल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है कि क्या क्या उस एंटासिड के फीचर होने चाहिए या उसमें क्या स्पेशल बात होनी चाहिए कि वो एंटासिड का काम करे। सबसे पहली बात, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म। पानी में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए और बहुत फाइन भी हो, मतलब बारीक पार्टिकल साइज होना चाहिए उसका, ताकि वो जितना ज्यादा साइज छोटा होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा। सेकेंड आती है, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टेमिक एल्कलोसिस। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में तो क्या करेगा, वो हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा ब्लड जो है वो एल्केलाइन है तो उसकी एल्केलिनिटी को बढ़ा देगा, तो वो भी नहीं करना चाहिए। हमने तो एसिड कंटेंट करना है कम, ऑलरेडी एक एल्केलाइन सब्सटेंस दे रहे हैं, अगर एल्केलाइन सब्सटेंस ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन में चला जाएगा तो ब्लड की जो पीएच है 7.4 से बढ़ के कहीं और चली जाएगी, तो उससे हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है, इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे हो और लंबे समय तक हो, तभी उसका फायदा है। फोर्थ आता है हमारे पास, इट शुड नॉट बी अ लैक्सेटिव और कॉज कॉन्स्टिपेशन। इसको एसिडिटी न्यूट्रलाइज करनी है, ये नहीं है कि वो हमारा लैक्सेटिव का काम कर दे, मतलब बाउल मूवमेंट्स इंक्रीज करा के आपको जो है डायरिया ही करा दे या कॉन्स्टिपेशन करा दे, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। अपना कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखा देंगे। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, कोई और साइड इफेक्ट भी नहीं दिखाना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल, रेडिली अवेलेबल, स्टेबल होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए और इजिली हमें मिल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आती है, रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोराइड शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब ऐसा एंटासिड नहीं लेना है जो HCl के साथ, हमारे गैस्ट्रिक HCl के साथ जाके रिएक्ट करे और गैस या हाइड्रोजन निकलेगी या क्लोरीन निकलेगी, इस तरह से ना एब्रप्ट रिएक्शन ना कराए कि हमारी गैस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, एंटासिड शुड बफर इन द पीएच रेंज 4 to 6। एंटासिड की रेंज जो है वो इस रेंज में होनी चाहिए, इससे हायर रेंज या इससे कम रेंज नहीं होना चाहिए। Then antacid should probably inhibit pepsin, the proteolytic enzyme. ये क्या करेगा antacid जो है, pepsin एक आपके enzyme होता है, ये क्या करता है proteins की digestion में help करता है, तो ये उसको inhibit करेगा थोड़ा, उससे क्या होता है कि acidity content जो है वो कम हो जाता है। बाकी antacids को कैसे देते हैं, ओरली भी दे देते हैं, सस्पेंशंस की फॉर्म में देते हैं, मिक्सचर्स की फॉर्म में देते हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, च्यूएबल टैबलेट भी आती हैं, कैप्सूल्स भी आते हैं या पीने वाले सिरप भी आते हैं। कभी आपने मार्केट में देखा हो जेलोसिल की टैबलेट आती है, वो एक एंटासिड है, एसिलोक आती है, वो एक एंटासिड है, तो अलग अलग फॉर्मुलेशन आती है इसकी, या जेलोसिल जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आती है, सस्पेंशन की फॉर्म में भी आती है। ये वही से फिर से क्लासिफिकेशन है जो अभी हमने की एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल की, सेम एग्जांपल्स दिए हैं, ये टैबलेटेड फॉर्म में है। जैसे एब्जॉर्बेबल की बात करें, अगर एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स क्या है, दीज शो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड प्रोवाइड फास्टर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स। मतलब इनका एक्शन जो है फास्ट है और जो सिम्टम्स है उससे भी ये इजिली हमें सिम्टम्स जो एसिडिटी के सिम्टम्स हैं उनको जल्दी खत्म कर देते हैं। सेकेंडली ये क्या करते हैं, एसिड रीबाउंड कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि इम्पैक्ट तो दिखाते हैं लेकिन एसिड जो है वो वापस आने लग जाता है, तो उस वो चीज इसकी एक प्रॉपर्टी है। देन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स की बात करें, ये इनअप्रोप्रिएट है फॉर पेशेंट्स एफ्लिक्टेड विद हाइपरटेंशन या किडनी फेलियर। जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है या किडनी की प्रॉब्लम है, उनको हम एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स नहीं देते हैं।
देन हमारे पास आते हैं इसके एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एटसेट्रा. देन नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स की अगर बात करें तो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स आर लेस प्रोन टू कॉज रीबाउंड इफेक्ट. एसिड रिफ्लक्स होता है, एक मतलब एसिड वापस आता है हमारी ओरल कैविटी की तरफ आने लग जाता है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल जो है वो कम करते हैं. देन इसमें सेकंड क्या है, दीज एंटासिड्स आर मोर पोटेंट, ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स एंड इफेक्टिव इन अ सेमी लिक्विड और लिक्विड फॉर्म और कैप्सूल और टेबलेट. ये जो है हम एब्जॉर्बेबल जो है इनको हम कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में देते हैं, और नॉन एब्जॉर्बेबल हैं जो इनको सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में देते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो सेमी लिक्विड या लिक्विड फॉर्म में है. अब नॉन एब्जॉर्बेबल जो है उनमें हाई प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है. ये क्या करते हैं, ये अल्सर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं. जब कई बार हमारी स्टमक में अल्सर हो जाते हैं और अल्सर्स इतने ज्यादा ही हो जाते हैं कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल्स आती हैं एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन. अगर हम इसका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखें एंटासिड्स की, तो उनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. बात वही है, सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक, एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल, सिर्फ इसको अलग से दिखा दिया गया है. नॉन सिस्टेमिक क्या होंगे, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में या ब्लड में नहीं जाएंगे, सिस्टेमिक होंगे जो ब्लड में जाएंगे. ये सारा हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये उनकी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नॉन सिस्टेमिक की है, और सिस्टेमिक में आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट की है. देन हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड्स. एंटासिड्स एक्ट कैसे करते हैं, अब एंटासिड्स की बात कर रहे थे. एंटासिड्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 मेटल्स as well as bicarbonates of alkali metals. All antacids contain at least one of the following metals, for example aluminium, calcium, magnesium, sodium, potassium, bismuth. आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ग्रुप 1 metals, ग्रुप 2 metals, ग्रुप 3 metals या alkali metals, alkali earth metals. तो ये antacids में हमेशा ये होते हैं, plus उस metal के साथ hydroxide होगा या carbonate होगा. ये क्या करते हैं, एंटासिड्स हेल्प टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक. मतलब जो आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई है, एसिडिटी क्यों बढ़ती है जब पीएच बढ़ती है, सॉरी कम हो जाती है, या एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है आपकी बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल ले लें हम HCl है, HCl की न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास NaCl और H2O आ गया. उसी तरह से ये जो हमारे एंटासिड्स हैं एक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास NaCl, H2O और वाटर बन गया. जो एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, हमारे पास सॉल्ट आ गया, वाटर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई. उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा, और यहाँ पे NaCl नहीं आएगा, कैल्शियम क्लोराइड आएगा, H2O बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. फिर मैग्नीशियम कंपाउंड्स की बात करें, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, पहले तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. फिर इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा. ये जो हमारा एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट मिल गया हमें. एल्युमिनियम कंपाउंड्स की बात करें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, उसको HCl से जब रिएक्ट करवाया तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O, इस तरह से. नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम आता है जिसमें हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटासिड्स क्या हो रहा है. अगर हम एब्जॉर्बेबल या सिस्टेमिक की बात करें जो ब्लड के अंदर जा रहे हैं, तो
यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले ली है सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसने किस चीज में टूटना है, Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। ये जब दो तरह के इसने आयंस बना दिए, इसमें से जो ये बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव है, इसने क्या करना है, जो आपके स्टमक के अंदर एसिड पड़ा है H पॉजिटिव एक्सेस में है हमारे पास, उसने उसके साथ जाके जुड़ जाना है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देना है। ये कार्बोनिक एसिड हमने पहले बफर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि ये इजिली टूट जाता है इंटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसिड का इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज हो गया और जो ये सोडियम बचा वो आगे जाएगा, फिर से वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट आयन के साथ भी जुड़ सकता है, या यहाँ पे क्लोराइड होगा जो H पॉजिटिव के साथ Cl है, इस डायग्राम में नहीं शो हो रहा, उसके साथ जुड़ के NaCl बना देगा और ये दोबारा से रीअब्सॉर्ब होके हमारे पास फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन एब्जॉर्बेबल की, इसमें जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, हम लेके चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये रिएक्ट करेगा एच पॉजिटिव आयन जो पड़े हैं, एक्सेस एसिड पड़ा है उसके साथ जुड़ के इसका जो कार्बोनेट है वो अलग हो जाएगा, कैल्शियम टूटेगा Ca2 पॉजिटिव में और CO3 2 नेगेटिव में, तो CO3 2 नेगेटिव जो है वो दो हाइड्रोजन अपने साथ जोड़ के हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना देगा और कैल्शियम जो है वो आगे उसी तरह से मूव कर जाएगा। और जो ये कार्बोनिक एसिड बना उसने क्या किया, आगे टूट के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाना है, इस तरह से एसिड की न्यूट्रलाइजेशन होती है। अब फर्स्ट कंपाउंड इस कैटेगरी में हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, इसमें एक सोडियम है, एक एच है, एक कार्बन है और तीन ऑक्सीजन है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो दैट इज 84.01, ये उसका फॉर्मूला है, इसको इस तरह से लिख सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास इसको और कॉमनली कैसे जाना जाता है, एज बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स, ऑर्डरलेस है, सलाइन इन टेस्ट है और डीकम्पोज कर जाता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आती है इसकी प्रेपरेशन। अब सबसे पहला मेथड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेपरेशन का है, That is, पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा और पानी रिलीज होगा, ये इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, इस सोडियम कार्बोनेट को हम में से हम कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पास करेंगे, उससे क्या होगा, हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं वो है सॉल्वेज प्रोसेस से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पहले हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा, उस कार्बोनिक एसिड को हम आगे किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये NH4HCO3 अमोनियम कार्बोनेट बना देगा, फिर इस कंपाउंड को हम NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास NHCO3 आ जाएगा प्लस अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। अगर आपको ध्यान में हो तो हमने अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन की थी, वो सेम मेथड है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहली रिएक्शन है कि थर्मल डिकम्पोजिशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड या अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डिकम्पोज कर जाता है। किसमें टूटता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जब हम हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, 50 डिग्रीज पे या 100 डिग्रीज पे या 200 डिग्रीज पे, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। देन हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ सेकंड रिएक्शन इसकी आती है, इसकी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम एसिटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। On reaction with sodium hydroxide, it gives sodium carbonate plus water. फिर अगर हम इसको mercuric chloride के साथ HgCl2 के साथ react कराएंगे तो हमारे पास आएगा NaCl plus water plus HgO mercuric oxide plus carbon dioxide. Next हमारे पास आता है इसका assay.
ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को डिसॉल्व कर लेते हैं 20 ml वाटर में। 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया 20 ml वाटर में, फिर उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट कर देंगे 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 20 ml वाटर में टाइट्रेट किया 0.5 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इंडिकेटर यूज किया मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस। यूजेस में सबसे पहले इट इज एन यूज्ड एज एन सिस्टेमिक एंटासिड एंड इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट यूज है इसका सिस्टेमिक एल्केनाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है तब इसको एज एल्केलाइनाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ताकि जो हमारे ब्लड की एल्केलिनिटी है वो मेंटेन हो सके। थर्ड यूज इसका है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूजफुल इन रिमूविंग स्प्लिंटर्स फ्रॉम द स्किन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहाँ यूज करते हैं, एज लोकल एनेस्थेटिक टू स्पीड अप द ऑनसेट ऑफ देयर इफेक्ट्स एंड मेक देयर इन्फेक्शन लेस पेनफुल। नेक्स्ट हमारे पास यूज आता है एज बफरिंग एजेंट। इसको कभी कभी हम क्या करते हैं, टेबल सॉल्ट के साथ कंबाइन कर देते हैं, ताकि हम जो नेजल इरिगेशन सॉल्यूशन बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास इसका 0.1% से लेके 1% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन जो है उसको आई लोशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूज आता है रिमूव करने के लिए ईयर वैक्स या ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए 5-10% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन है उसको हम यूज कर सकते हैं एज लोकल एप्लीकेंट फॉर बर्न इंसेक्ट बाइट्स एटसेट्रा। लास्ट यूज आता है इन द प्रेपरेशन ऑफ एफरवेसेंट फॉर्मुलेशंस। फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। उसमें सबसे पहला साइड इफेक्ट हमारे पास आता है इट मे कॉज हेडेक, नॉजिया या इरिटेबिलिटी, और अगर हम इसको ज्यादा यूज करेंगे तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी करा देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एडिमा हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हाइपो ऑस्मोलर सिंड्रोम हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाए, हाइपरवोलीमिक या हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है। ये सारे सोडियम कार्बोनेट के इफेक्ट्स हैं।